हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है। मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरे सारांश का बर्थडे है, मेरे बेटे का। तो आज वो उसको हम कथा सुनवा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने प्रसाद बनाया है। तो प्रसाद में मैंने पहले पंजीरी बनाया है और उसके बाद गुड़ वाले पूड़ी बना रही हूँ। वो है पापा, ले आए, फिर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। और अभी हम कथा सुनने मंदिर जाएंगे। ठीक है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर और पूजा स्टार्ट होने वाली है। ये है किट्टे, हाथ बोलो। और अभी हम हैं मंदिर में। कमिंग। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कल कि मेरे छोटे बेटे सारांश का बर्थडे है, तो आप सब ही उस सार अपना आशीर्वाद दीजिए। तो अभी पंडित जी नहीं आए हैं, जब तक हम दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये छोटी देवी माता का मंदिर है, तो यहीं पे हम कथा सुनेंगे। और चलिए मैं अंदर दिखाती हूँ। ये है हमारी छोटी देवी माता। जय माता की। मुझे भी बजाना है। मुझे भी बजाना है। कैसे बजाओगी? ऊपर चढ़ के ऐसे बजा दो। हा? ऐसे देखो, तुमको बजाना है। और ये है भैरव बाबा। और फिर चलते हैं हम शंकर जी के मंदिर। तो ये है शंकर जी का मंदिर। और ये है शंकर जी का मंदिर। यहाँ पे नंदी बाबा बैठे हैं और अंदर भोले बाबा। तो पहले परिक्रमा लगा लेते हैं। अगर रुको, आइए। भोलेनाथ बैठे हैं। जय भोलेनाथ। कितने इधर आओ, कितने तुम्हें पर... ये बैठे हैं भोले बाबा। और यहाँ तो अभी पंडित जी आ गए हैं और हमारी कथा स्टार्ट हो गई है। अपने वक्त सुनेंगे भगवान की शरण में जाए। सुनेंगे क्रिया सबसे पहले है भगवान ने हमें किसी देवता की प्रतिमा रखी है, तो सबसे पहले जिसका संकट पृथ्वी माता का प्रणाम करें। समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंगले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादा पद क्षमा से गलिवा क्षमाता। ओम माति पवने भ्यो नमः स्वाहा। ओम नमः सर्व भवाय च स्वाहा। ओम नमो भवाय च स्वाहा। ओम शिवराय च स्वाहा। ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम महात्माय नमः स्वाहा। स्वामी शरण गौ।
तो अभी हम घर आ चुके हैं और ये दोनों खेल रहे हैं। और हम लोग मंदिर से लेट आए थे क्योंकि लेट पूजा स्टार्ट हुई थी, तो फिर 1-1.5 बजे आ गए थे। और इसको सुलाने के बाद, सारांश को सुलाने के बाद, फिर मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि खाना सुबह बना के नहीं गए थे। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन अभी ये खेल रहा है, सो जाए फिर उसके बाद जाऊंगी। और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई खाना की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग भी बोर हो जाओगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, इसलिए हम और डुगू रेडी हैं। डुगू केक काटने के लिए रेडी हो गया, काठी वाला दिखाना है। अब डुगू का टाइम सोने का भी हो रहा है, तो अब होने वाला है। ये देखो, हाँ, बर्थडे हमने सिंपल ही रखा था, मतलब कि ज़्यादा लोग नहीं थे, बस घर के ही लोग थे। और आज ना सुबह से ही मूड ऑफ था, पता नहीं कैसा मन हो रहा था, लेकिन आज मेरे बच्चे का बर्थडे था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। रही आएंगी प्रॉब्लम तो आती जाती रहती हैं और ये होता ही है, और मैं इसका बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, तो बस हो गया। फिर मैं हैप्पी थी और इनको भी हैप्पी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादा खुश ये भी नहीं थे। सुबह से ही आज बहुत मूड ऑफ था हम दोनों का, बट कोई नहीं, बच्चे का बर्थडे तो मनाना ही था, तो हो रहा है अब। टोपी लगाओ। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद और गुड विशेस दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।